अच्छा उन्होंने पढ़ा और हर जगह आपसे सपना साझा किया उन्होंने। बिल्कुल सर, हम दोनों लोग बहुत आपस में प्यार भी करते थे, वो जानते थे, रिलेशन में थे सर। अच्छा, 2008-09 से ही हम लोग जानते थे। लव मैरिज थी सर, लव को अरेंज किया गया था। प्यार, भरोसा, पढ़ाई, पद, धोखा, अफेयर, आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट कचहरी से होते हुए ज्योति और आलोक की कहानी अब बदले और इंतकाम तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं, फैसले सुनाए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं। मैं सूर्यवंशम वाला दूसरा हीरा ठाकुर नहीं बनूंगा और ज्योति मौर्य बेवफा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। ज्योति और आलोक की इस कहानी को अपने अपने एजेंडे के तहत परोसा जा रहा है। दोनों की कहानी सोशल मीडिया की सबसे हिट मिस्ट्री बन गई है, जिस पर कई गाने भी बनाए जा रहे हैं। इस सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्योति और आलोक में से कौन किसे धोखा दे रहा है, दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इन सवालों की पड़ताल से पहले आपको इस मामले में अभी तक की सबसे चौंकाने वाली जानकारी देते हैं। ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी हैं, तो क्या उनका पति आलोक अब आईएएस अफसर बनेगा? ये बात सुनकर आपको यकीनन यूपी की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म याद आ गई होगी, जिसमें पीसीएस प्रेमिका से बदला लेने के लिए पति आईएएस अफसर बन जाता है। आलोक और ज्योति के केस में आया ये नया मोड़ भले ही फिल्मी हो, लेकिन कहा यही जा रहा है कि पीसीएस पत्नी ज्योति पर बेवफा होने का आरोप लगाने वाला आलोक इस आपदा को अवसर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेडी एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद में समाज का लगभग हर तबका इंटरेस्टेड है। कोई आलोक मौर्य से सहानुभूति जता रहा है तो कोई उस पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप भी लगा रहा है। खबर इस बीच ये भी है कि कई लोगों ने उसे बड़ी लकीर खींचने की राय भी दी है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस की प्रिपरेशन कराने वाले तमाम कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने आलोक को फ्री में कोचिंग ऑफर किया है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आलोक और ज्योति के बीच विवाद की जड़ ही है पैसा और पद। ज्योति मौर्य ए ग्रेड की अधिकारी है, वहीं उसका पति आलोक मौर्य चतुर्थ श्रेणी यानी डी ग्रेड का सफाई कर्मचारी। खबरों के मुताबिक आलोक कई बार ये बता चुका है कि वो सिविल सर्विस की तैयारी कर चुका है। वो 2008-09 में सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान 3 बार ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए इंटरव्यू दे चुका है, मगर उसका चयन नहीं। यही कारण है कि आलोक को फिर से एक कोशिश करने की सलाह दी जा रही है। आलोक सिविल सर्विसेज की तैयारी वाले ऑफर को कितना गंभीरता से लेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसने ज्योति से अलगाव को बहुत सीरियसली लिया है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। पहले तो पति पत्नी के झगड़े को, घर की लड़ाई को सोशल मीडिया के जरिए पूरे समाज तक पहुंचा दिया और अब उसने ज्योति मौर्य पर फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने का बड़ा आरोप लगा दिया। यानी आपसी विश्वास में धोखे के इस मामले में अब फर्जीवाड़े का एंगल निकलकर सामने आ गया। अब आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य ने अपनी पहली नौकरी फर्जीवाड़े से पाई थी। एसडीएम ज्योति की सबसे पहली जॉब सरकारी स्कूल में प्राइमरी शिक्षिका की थी, लेकिन ज्योति ने पहली नौकरी में ही फर्जीवाड़ा किया था। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उसने आरोप लगाया है कि ज्योति मौर्य ने 2011 में हुई विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती में फर्जी तरीके से तैयार फर्जी मार्कशीट लगाया है, जिसमें पासिंग डेट सोमवार 27 जून 2011 लिखा है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जारी ज्योति मौर्य के बीएड के सर्टिफिकेट पर भी जो पासिंग डेट लिखा है वो 25 जून 2012 लिखा हुआ है। सवाल यही है, क्या ज्योति ने पहली नौकरी ही कूट रचित और फर्जी तरीके से पाई थी? इस पर टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर मनीष यादव ने ज्योति के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की। ज्योति के भाई ने कैमरे पर कोई बात नहीं की, लेकिन जो अनौपचारिक तौर पर बताया वो भी सुनिए। अच्छा, ये जो घर है यहाँ कौन कौन रहता था? यहाँ सब लोग रहते थे। अच्छा, आलोक भी रहते थे और वो भी सब लोग। अच्छा, अब तो वो आलोक राजापुर में कहीं शायद रहता है। हाँ, वो अब उनका हमने देखे फरवरी से हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है उनसे, वो फरवरी से कहा रहते हैं। अब यहाँ कौन कौन जो है आलोक के परिवार के लोग कोई नहीं? कोई नहीं रहता, हम लोग कुछ सामान शिफ्ट करना था, चूँकि मैडम का ट्रांसफर जरूरी हो गया था, उसके सामान ले जाना था। कोई जो कह रहा है कि अभी मतलब शादी के बाद से, तो बात गलत है भाई। पढ़ाई वढ़ाई अच्छा कहाँ होगी मैडम की? सब गाँव से, मतलब बनारस। अच्छा, ये एक और इसमें ये सवाल है कि ज्योति की पत्नी ने ज्योति पर एक और आरोप लगाया उसकी पहली नौकरी से लेकर टीचर की नौकरी धांधली करने का।
वो तो जो लगाया आरोप वही बता सकते हैं। नहीं आपको कह रहे आरोप लगाने में क्या, हमें आपको कह रहे कि आप मीडिया में बने हैं तो धांधली से बने, लेकिन कोई प्रूफ तो दिखाइए। आलोक मौर्य लगातार ज्योति मौर्य के पद की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ज्योति एसडीएम है और वो मामूली कर्मचारी, इसलिए ज्योति मौर्य ये सब कर रही है। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर, और यहां तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहां कहां आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूं। हालांकि ज्योति मौर्य ने कहा कि इशू आलोक मौर्य के सफाई कर्मचारी होने का नहीं, न ही इशू उनके एसडीएम होने का है, बल्कि विवाद सिर्फ पति और पत्नी के बीच का है। ज्योति ने कहा कि आलोक के सफाई कर्मचारी होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शादी से जुड़ा विवाद है और ये विवाद कोर्ट में है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है ज्योति से उनकी जान को खतरा है। आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहां तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा। चक्रव्यूह आलोक तैयार कर रहा है तो उसकी पीसीएस पत्नी ज्योति भी पीछे नहीं, दोनों के बीच का विवाद यूपी की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं जब ज्योति शासन के नियुक्ति विभाग में अपना पक्ष रखने पहुंची। ज्योति ने इस मौके पर पत्रकारों से तो बात नहीं की मगर शासन के अधिकारियों को बताया कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्योति ने इसकी जांच कराने की मांग की। इतना ही नहीं, ज्योति ने पति आलोक और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसमें पति आलोक समेत ससुराल के 4 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक किया और उनकी पर्सनल चैट के स्क्रीनशॉट वायरल किए। ज्योति का दावा है कि ससुराल वालों ने ज्योति से 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर कार की डिमांड की। यहां ये भी जानना जरूरी है कि आलोक और ज्योति की शादी साल 2010 में हुई थी। 2015 में ज्योति को 2 जुड़वा बेटियां हुई जो फिलहाल ज्योति के साथ ही रहती हैं। आलोक का आरोप है कि साल 2020 में ज्योति मनीष नाम के एक होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई थी, जिसके बाद से ही वो पति से दूर होती चली गई। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक मैरियट होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। आलोक का आरोप यही है कि जिस पत्नी को उसने अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाया लिखाया उसने धोखा दे दिया, जिस बीवी के सपने को उसने अपना समझा उसी बीवी ने अधिकारी बनते ही उससे पल्ला झाड़ लिया। ज्योति मौर्य जो दूर निकल गई वो वापस लौट के आपकी सर हर परिवार वाला चाहेगा सर कि परिवार उसका एक साथ रहे, क्योंकि उसमें 2 हमारे बच्चे भी हैं, तो सर मैं यही चाहता हूँ कि सर परिवार हमारा रहे और बच्चे हमारे साथ रहें और हम लोग एक साथ रहें सर तो बहुत अच्छा रहे। बच्चों से बात होती है आपकी? सर अभी नहीं हो पा रही है सर, अभी इधर बीच नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ बच्चों से बात करने का, और सर बस यही चाहता हूँ मामला कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है जो होगा सर उसके। सच कहें तो पति पत्नी और वो की ये कहानी बड़ी ऊंची हुई है। 3 किरदार है, एक सिरा ज्योति मौर्य के हाथ है तो दूसरा उसके पति आलोक मौर्य के, बीच में है मनीष दुबे। सच क्या है ये तस्वीर तो अभी साफ नहीं है, लेकिन तीनों अपने सच के साथ इस जंग में खुद को सही ठहरा रहे हैं। पीसीएस ज्योति मौर्य के प्रयाग वाले घर पहुंचकर हमने उनके सच को जानने की कोशिश की तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि ज्योति के छोटे भाई ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि ज्योति शुरू से ही अफसर बनना चाहती थी। पीसीएस अफसर बनाम सफाई कर्मचारी, पति पत्नी और वो की इस कहानी में कई सारे पहलू हैं जिन पर एक के बाद एक रेत साफ हो रहा है। अब आरोप ये लग रहा है कि प्रयागराज में जो ज्योति मौर्य का मकान है वो दरअसल आलोक मौर्य ने खरीदा था और एक मोटी रकम इसके लिए अदा की थी, लेकिन चूंकि ज्योति मौर्य पत्नी थी ऐसे में उनके नाम पर रजिस्ट्री कराई गई। आलोक मौर्य कह रहे हैं कि ये मकान उनका है, लेकिन ज्योति मौर्य के परिजनों का दावा है कि मकान उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा है। 2019-20 में जब कोविड का दौर था उस वक्त ये मकान खरीदा गया, उस वक्त ज्योति मौर्य यहाँ पर उप जिलाधिकारी पद पर काम कर रही थी, बताया जा रहा है कौसम्बी में वो कार्यरत थी। देखिए यहाँ पर नेम प्लेट भी लगी हुई है ज्योति मौर्य के नाम की, ज्योत्या लोक निवास ज्योति मौर्य पीसीएस।
हालांकि देखेंगे तो लग रहा है कि ये जो नेम प्लेट है अभी लगाई गई है, पहले कोई और नेम प्लेट यहाँ पर लगी होगी और उसे हटाकर अब ये नेम प्लेट लगाई गई है। मार्च तक आलोक मौर्या यहीं रह रहे थे, ज्योति मौर्या का परिवार भी यहाँ पर रह रहा था, सब मिलकर साथ रहते थे, लेकिन विवाद के बाद फिर आलोक मौर्या अपने भाइयों के साथ रहने चले गए, यहाँ पर इस आवास में कभी रहने नहीं आए। जो परिवार के लोगों ने अनौपचारिक बातचीत में जानकारी दी है, ज्योति मौर्या शुरू से ही होनहार थी, उनका लक्ष्य था कि उन्हें सिविल सेवा में जाना है, उसके लिए तैयारी वो लगातार कर रही थी। ज्योति का परिवार भी इस बात को मानता है कि शादी के बाद ज्योति ने ससुराल वालों के सहयोग से ही 2014 तक प्रयाग में रहकर अलग अलग टीचर्स के जरिए कोचिंग की, जिसका पूरा खर्चा ज्योति के पति और ससुराल पक्ष ने उठाया था। करीब 10 साल पहले कोचिंग और खाने पीने रहने का खर्च 20 से 25 हजार रुपए महीना था, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद आलोक अपनी पत्नी का बराबर साथ दे रहा था। सिविल सेवा की परीक्षा वो यज्ञ है जिसमें तपस्या केवल कैंडिडेट को नहीं बल्कि पूरे परिवार को करनी पड़ती है, और आलोक मौर्य उसके परिवार ने वही किया। 2010 में शादी हुई, उसके बाद आलोक मौर्या और उसके परिवारी जन ज्योति मौर्या को अफसर बनाने में जुट गए। ससुर ने भी मेहनत की, जो कि हेडमास्टर से रिटायर हुए थे, परिवार के बाकी लोग भी ज्योति मौर्या को अफसर बने देखना चाहते, इसलिए 2012 में ज्योति मौर्या को, देखिए ये जो यूनिवर्सिटी रोड है यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए इन कोचिंग सेंटर्स में दाखिला करवाया गया। चूँकि ये जो इलाका है यहाँ पर पहले ध्यान कोचिंग हुआ करती थी, जो जानकारी मिली है ध्यान कोचिंग में ज्योति मौर्या हिस्ट्री की जो पढ़ाई है, लोक प्रशासन की जो पढ़ाई है वो करने आया करती थी। ऐसे अलग अलग टीचर्स के जरिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग ज्योति मौर्या ने यहाँ पर रखकर की, उसका जो पूरा खर्चा है वो आलोक मौर्या और उनके ससुर ने उठाया। चूँकि आलोक मौर्या के जो पिता थे वो सरकारी सेवा से रिटायर हुए थे, तो ऐसे में उनके जो फंड थे वो उन्होंने ज्योति मौर्या की कोचिंग में खर्च किए। इसके अलावा आलोक मौर्या भी सफाई कर्मचारी के बतौर काम कर रहे थे, तो उनकी जो वेतन आती थी प्रयागराज में रहकर, उस वेतन से ज्योति मौर्या यहाँ पर पूरे कोचिंग की फीस जमा किया करती थी। 2019 में ज्योति और आलोक ने प्रयाग में घर भी खरीदा। क्योंकि आलोक की पोस्टिंग प्रतापगढ़ थी, इसलिए आलोक ज्योति के घर वालों के साथ प्रयाग के घर में रहने लगा। आलोक का आरोप है कि ज्योति के मनीष दुबे के संपर्क में आने के बाद दिक्कतें और अनबन शुरू हो गई, बात इतनी बिगड़ी कि तलाक तक पहुंच गई। एरिया में जो कोचिंग सेंटर है वहां पर ज्योति आती थी, तब भी आलोक उसे लेकर आता था, और जब ज्योति कोचिंग कर रही होती थी तो यहीं बाहर रहकर उसका इंतजार किया करता था। तो ये अलग अलग दावा, अलग अलग कहानी दोनों पक्षों की ओर से कही जा रही है, सच्चाई किसमें कितनी है ये जांच का विषय है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आलोक ने भी शिकायत दर्ज कराई है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। और इस बीच पति पत्नी की कहानी में जो वो का एपिसोड है, जो महोबा में मनीष दुबे तैनात है, होमगार्ड डिपार्टमेंट उनकी भी जांच कर रहा है। सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर आशुतोष आलोक मौर्य के गांव भी पहुंचे, जहां हर जुबान पर बस इसी केस की चर्चा है। जब हमने आलोक के पिता से सवाल पूछे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, बस इतना बोल पाए कि अब कहने को बचा ही क्या है। ज्योति के परिवार ने आरोप लगाया कि आलोक के घर वालों ने उसे अधिकारी बताकर धोखे से शादी कराई थी, लेकिन आलोक के गांव वालों का कहना है कि शादी का वो कार्ड ही फर्जी है जिसे ज्योति के परिवार ने छपवाया था। और यहाँ जो शादी में कार्ड मचा था बटा था केवल आलोक सन ज्योति मौर्य, ये हुआ था, न कोई पद लिखा गया था न कोई बात थी, लेकिन जो वहाँ वाले जो कार्ड भले अलग से छपवा लें, जब चाहे तब कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं, लेकिन सब टोटल गलत बात है। आलोक के परिवार और गांव वालों को आपने सुना, अब आपको ले चलते हैं ज्योति मौर्य के गांव वाराणसी के चिरई में, जहां गांव वाले अपनी बेटी के साथ हैं। आरोप यही है कि आलोक और उसका परिवार सोशल मीडिया के जरिए ज्योति का चरित्र हनन कर रहा है। जो लांछन लगाए जा रहे हैं वो जहाँ तक है वो उनके पति और वो जाने, ठीक है, आप भी नहीं जान सकते अंदरूनी बात। दोनों लोग तो सफाई दे रहे हैं कि हमारा जो मैटर कोर्ट में गया है, ठीक है, उतना दिन तक उनके पति जो इतना काला चिट्ठा दिखा रहे हैं 6 लाख का, ये जब से डीएम बनी उसके एक डेढ़ महीने पहले भी दिखा देना चाहिए कि मेरी पत्नी क्या नाम घूस ले रही है। और तब तक तो वो ले रहे थे, जब उनको नहीं मिल रहा है, जब उनको ऐसा लग रहा है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तब वो काला चिट्ठा दिखा दिए हैं। अब बताइए दिखा रहे हैं कि नहीं, आप ही लोग सोचिए, जब तक एसडीएम थी जब तक उनको पैसा मिल रहा था तब तक तो उनका काला चिट्ठा कोई नहीं दिखा रहा कि 6 लाख रुपया महीने ये घमन करती हैं। वह तो पढ़ने में तेज थी, मेहनती थी, ईमानदार भी थी, यहाँ पर कम से कम बीए एमए यहीं से की है। उनके पिता अत्यधिक गरीब आदमी थे मगर मेहनत करके उसे पढ़ाए हैं, तो इस योग्य बनाने में उसके पिता का योगदान कम नहीं है। काफी गलत घटना है ये हमारे समाज में, काफी अगर लड़कियां को अगर
पति बुला रहे हैं, भाई बुला रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ने दीजिए। अगर एक के साथ ऐसा घटना हो गया है तो ये नहीं कि सभी के साथ ऐसा घटना हो।